पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का चुनाव न लड़ने का फैसला सबको चौंका रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कयास लगा रहा है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि यादव कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स में फंस गए, लेकिन अरुण यादव ने इन सब बातों को खारिज कर दिया है। तो फिर अरुण यादव उपचुनाव से पीछे क्यों हटे? क्या अरुण यादव 2023 की तैयारी कर रहे हैं? और क्या अरुण यादव ने सोचे समझे तरीके से ये कदम उठाया है? इसे ऐसे समझिए, कमलनाथ पीसीसी चीफ है और उनकी उम्र 74 साल। दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम राज्यसभा सांसद, उम्र 74 साल। सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व पीसीसी चीफ, उम्र 69 साल। कांतिलाल भूरिया पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा विधायक, पूर्व पीसीसी चीफ, उम्र 71 साल। डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्व मंत्री, उम्र 70 साल। ये कांग्रेस की वो उम्रदराज पीढ़ी है जो 70 पार हो चुकी है। 2023 के चुनाव में ये पीढ़ी नजर तो आएगी, लेकिन मैदानी भाग दौड़ नहीं करेगी, बल्कि प्लानिंग में काम करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि कमलनाथ 2023 के बाद दिल्ली की राह पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ देखें तो युवा पीढ़ी है जो 50 साल के लगभग है। उनमें अरुण यादव जिनकी उम्र है 47 साल, जीतू पटवारी उनके हम उम्र 47 साल उनकी उम्र है, उमंग सिंघार इनकी भी उम्र 47 साल, तरुण भनोत जिनकी उम्र है 49 साल, जयवर्धन सिंह युवा नेता जिनकी उम्र है 35 साल। इसके अलावा भी कई और नेता हैं, लेकिन इन सब में अरुण यादव का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। अरुण यादव 2 बार के सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और उनके साथ सुभाष यादव की राजनीतिक विरासत है, साथ ही वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में क्या अरुण यादव को 2023 में एक अहम भूमिका मिल सकती है? द सूत्र से बातचीत में क्या कह रहे हैं अरुण यादव, जरा सुनिए। ऐसा तो नहीं कि आपने पूरे राजनीतिक गणित लगा कर ये इसीलिए अब राजनीति करते तो गणित तो लगाएंगे ना, उसमें कौन सी नई बात है, कोई वो थोड़ी कर रहा है, हलवे थोड़ी है। यानी 2 साल बाद कांग्रेस के भीतर जो बदले सियासी समीकरण होंगे, उन्हें भापते हुए ही अरुण यादव ने पूरे राजनीतिक गुणा भाग कर उपचुनाव में न उतरने का फैसला किया है और बीजेपी का साथ देने का उनका कोई इरादा भी नहीं है, ऐसा दावा वो कर रहे हैं। बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत नहीं उससे बात करें, ठीक है। ये अरुण यादव का रिकॉर्ड है पिछले 15 सालों को मध्य प्रदेश में, जब से मैं अपनी पार्टी में हूँ मुझे इसकी सफाई देने की जरूरत नहीं किसी को भी। और अब अभी हमारा एजेंडा ये उपचुनाव है, उसके बाद जो मुख्य एजेंडा है मिशन 23 है, जिसमें हम सब लोग इसके बाद भाग लेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की आने वाली राजनीति पूरी तरह से ओबीसी वर्ग के इर्द गिर्द घूमने वाली, और ऐसे में कांग्रेस के पास ओबीसी नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा है, तो वो है अरुण यादव। ऐसे में अरुण यादव इस उपचुनाव में ताल ठोक कर आने वाले भविष्य को बिगाड़ना भी नहीं चाहते थे, इसे इस तरह भी समझा जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।